दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का करियर काफी लंबे समय से डामाडोल चल रहा है, लेकिन इस दिसंबर में रिलीज होने जा रही उनकी नई फिल्म जीरो ने दर्शकों के अंदर नई उम्मीद का संचार किया है। फिल्म के पहले पोस्टर के साथ ही दर्शक किंग खान को बबुआ के अवतार में देखने के लिए दीवाने हो उठे हैं और जीरो के ट्रेलर ने लोगों के बीच तहलका ही मचा दिया है। कई लोग अभी से ये मान रहे हैं कि फिल्म जीरो शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। दोस्तों, फिल्म को लेकर लगाई जा रही ये उम्मीदें साकार होती भी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले रिलीज हुए जीरो के ट्रेलर ने आमिर खान की टक्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर को पछाड़ कर एक नया अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर ट्रेड के गलियारों से सामने आ रही ताजा खबरों की माने तो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो का ट्रेलर यूट्यूब का वो पहला वीडियो बन गया है जिसने सबसे पहले 100 मिलियन व्यूज पूरे कर लिए हैं। जीरो के ट्रेलर ने यह मुकाम मात्र 31 दिन में पूरा हासिल कर लिया है। इससे पहले ये खिताब आमिर खान की टक्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम था, जिसने ट्रेलर ने YouTube पर इतने व्यूज 49 दिनों में हासिल किए थे। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म जीरो में शाहरुख खान एक बोने व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसी अदाकारें भी नजर आएगी। दोस्तों, फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जीरो सिनेमाघर में रिलीज होते ही शानदार कमाई शुरू कर देगी। दोस्तों, फिल्म जीरो का निर्देशन आनंद एल रॉय ने किया है, जो अपनी देसी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म जीरो का ट्रेलर देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि आनंद एल रॉय एक शानदार देसी कहानी लेकर आ रहे हैं। आप फिल्म जीरो के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।